5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ मुजाहिरों का खौफ, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज से पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, कई शहरों में पकड़ धकड़। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया है। मुजाहिरों के डर से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज से मजीद पाबंदियां आयद कर दी। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, आर्टिकल 370 के खात्मे को एक साल होने पर भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। श्रीनगर को फौजी महासरे में ले लिया गया, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। भारतीय फौज जगह जगह नाके लगाकर बैठ गई है। कासिम फोर्सेज ने छापे मारकर मुख्तलिफ शहरों से मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया है। मकबूजा वादी में गुज़िश्ता एक साल से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज ने इस तमाम अरसे के दौरान कश्मीरी आवाम को हफ्ते बेजा जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। ईद उल अज़हा के दौरान कश्मीरी मुसलमानों को नमाज ईद तक अदा करने नहीं दी गई। इसी तरह इनकी शख्सी और मजहबी आज़ादी को बज़ोर कुव्वत दबाया जा रहा है। एक हिंदू मुमलिकत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की दावेदार है, किस तरह एक मुसलमान रियासत कश्मीर को जुल्म का निशाना बनाकर अपनी मर्जी मुसलत कर सकती है। यह अक़वामे मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी भी है।